मान्य सत्यपाल चौधरी साहब, भीम आर्मी के प्रभारी हमारे भाई अनिल ढेनवाल जी, अनुशासन समिति के अध्यक्ष माननीय अमरचंद हसौलिया साहब, पीएम मकोरिया जी, संजय बाल्मीकि जी, सुनील बिंडा जी, राम सिंह इंदौरिया जी, माथुर जी और मंचासीन हमारे सुमित जी, सभी हमारे भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता अधिकारी पदाधिकारी, इन्हीं के साथ साथ आज के इस कार्यक्रम की आन बान शान हमारे पिता तुल बुजुर्ग, मेरे युवा साथी, माताएं बहने और सभी प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरी ओर से सबसे पहले क्रांतिकारी जय भीम नमः होता है। साथियों, आप सभी का जोश और ह्यूमैनिटी समाज पर हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे बीच में है, उन्हें जब आप सुनोगे और उनके बाद में जो वो हमें निर्देश देंगे, हम इस मंच के माध्यम से हम कृतज्ञ हैं और हम कसम खाते हैं आने वाले समय में हम पूर्ण जोश और ताकत के साथ, इसी जुनून के साथ 2004 में मैदान का मुकाबला करेंगे। साथियों, अब मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, आप सभी ने हमारे इस कार्यक्रम में जिस प्रकार से हमारे राष्ट्रीय लीडर जी को हमें सुनना है, अभी उनके निर्देशों की पालना करनी है। हम लोगों को आने वाले क्षेत्र में हम जब तक हमारी पूर्ण ताकत का इस्तेमाल सत्ता के लिए नहीं करते, हम सबका यहाँ आना व्यर्थ है। साथियों, जिस प्रकार से आपने हमें सुना, हमारे लीडर के इंतजार में आप यहाँ बैठे हैं, मैं उम्मीद करता हूँ आप इसी प्रकार से शांति बनाए रखेंगे। और माननीय राष्ट्राध्यक्ष, जिस प्रकार से आप लोगों ने बहुत कम समय में हमारे लिए 9 से 10 दिन भी नहीं मिले, और इन कम दिनों में जिस प्रकार से मेरे उन साथियों ने, मेरे अधिकारियों ने, मेरे कर्मचारियों ने, मेरे समाज के बूढ़े बुजुर्गों ने, मेरे युवा साथियों ने, आप सभी ने जिस प्रकार से ये मान और सम्मान और आशीर्वाद दिया, कम समय में आपने 2-2, 5-5, 10-10 हजार रुपए इकट्ठा करके आपने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को आज भाई प्रेम आपने यहाँ गंगापुर में जो उतारा, मैं आप सभी का कृतज्ञ से आपका कर्जदार हूँ। और मैं ये आप सभी से विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से आपने ये मान और सम्मान मुझे दिया, मेरे भाई को दिया, मेरे समाज को दिया और हमारे इस आने वाले समय को मजबूत करने के लिए दिया, मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं आपसे वादे के साथ दावा करता हूँ, आपके एक एक पसीने के बदले यदि मुकेश गैरवा की एक एक कतरे कतरे की बूंद यदि काम आई, आपके हित में कभी काम आई, तो मैं त्याग करने के लिए पीछे नहीं हटूंगा। और मैं एक उम्मीद आपसे और जताना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से पिछले 20 वर्षों से हमारे लिए, समाज के लिए, इस क्षेत्र के लिए एकजुट होकर के जो ताकत का काम कर रहे हैं, निर्माण का काम कर रहे हैं, आप इसी प्रकार से और अब एक कदम नहीं 10 कदम आगे चलने वाले हो। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आना आपके 2003 से लेकर के 2023 आने वाला है, आपका जो ये सामाजिक ताकत है, आपकी सामाजिक मूवमेंट है, आपने देखा होगा देश और प्रदेश के अंदर जो सरकारें चल रही है, कहने को तो ये हम लोगों को लगता है हमारी है, हमारे हित में है, क्योंकि इनको हमने ही बनाया है। लेकिन इस प्रदेश में जातीय दंगे कराने की साजिश की जा रही है, जात और खासकर बता रहा हूँ मैं आपको, अभी देख रहे हैं आप, अभी 14 फरवरी है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती, उस जयंती पर साजिश रची गई है, और इस साजिश में इस प्रदेश की हुकूमत भी शामिल है, जो चाहते हैं कि ओबीसी और एससी के लोगों को बाबा साहब की जयंती के अवसर पर आपस में लड़ा दिया जाए, इस एकता को तोड़ा जाए। आपके साजिश को देखना, इस साजिश का पर्दाफाश करना, आपको सजग रखना, आपको हर हालत में अपने ओबीसी के और एससी के साथियों के साथ में एकजुट रहना। ये जो पूर्वांचल का इलाका, पूर्वी राजस्थान का, हम जानते हैं यहाँ आजाद समाज पार्टी की लहर चल रही है, आपके बीच में भाई मुकेश गैरवा भी बोल के गए, मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे
जो SC ST और OBC का जो मजबूत गठबंधन है, ये मजबूत सामाजिक समीकरण ये भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को बेदखल करने वाला है। इस पूर्वी राजस्थान की जनता पे हम लोगों को भरोसा है कि राजस्थान में क्रांति की शुरुआत होगी, बदलाव की शुरुआत होगी तो यहीं से होगी। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि आप लोग और सतर्क रह के इस कारवा को आगे बढ़ाने का काम करो, ताकि हम लोग इस प्रदेश में सत्ता में हुकूमत में जा सके और भाई चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में राजस्थान के रास्ते हम दिल्ली की कुर्सी तक पहुंच सके। इसीलिए ये सामाजिक इस सम्मेलन के यहाँ इस मंच पर उपस्थित हमारे प्रदेश के प्रभारी भाई सतपाल चौधरी जी, हमारे भीम आर्मी के प्रभारी भाई अनिल धीरवाल जी, हमारे सम्मानित नेता अमरचंद असोरिया जी, मोहनलाल भैरवा जी, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष राम लखन मीणा जी, भाई सोहेब खान जी, भाई करतार सिंह जी, छोटे भाई शैलेश मोसपुरिया जी, भाई संजय वाल्मीकि जी, भाई रामपाल भारतीय जी, भाई जो संचालक कर रहे थे भाई BM मखोरिया जी, भाई KL माथुर जी, भाई राम सिंह इंदौरिया जी, भाई जितेंद्र अटवाल जी, हमारे पूर्व के प्रदेश अध्यक्ष भीम आर्मी भाई सत्यवान जी, भाई रुकम सिंह जी जो जिला अध्यक्ष है गंगापुर सिटी के, भाई सुनील कुमार भिंडा जी, भाई विनीत सांखला जी जो हमारे यूथ के प्रदेश अध्यक्ष हैं, भाई विकास पोसवाल जी, भाई राजेश सरपंच जी और भाई बाबूलाल जी जो DO हैं, भाई अजय जी, पुष्पेंद्र जी, मीणा सिंह जी, भाई नरेश बीरवाल जी, प्रेम नारायण मेहर जी, बहन विद्या वर्मा जी, बहन मीरा मेघवाल जी, बहन संतोष मेघवाल जी, भाई सुमित अंबेश जी, मदन मेघवाल जी, छोटी बहन एकता जी, अमित करसोलिया जी, धर्मेंद्र बैसला जी, मेरे साथ आए भाई कैप्टन मुकेश वाल्मीकि जी, भाई राज सिंह नेहरा जी जो मुख्य अतिथि के तौर पे हमारे साथ आए, भाई सुशील प्रधान जी और आज के आयोजक साथी भाई मुकेश बहरवा जी। ये सब लोग बार बार कह रहे हैं अनुशासन में आ जाओ, अनुशासन में आ जाओ, लेकिन मैं मानता हूं कि जितनी जगह है उसके 3 गुना लोग हैं, तो अनुशासन कैसे हो जाओगे आप बताओ। अनुशासन तब तो मैं मानता कि टूट रहा है जब सीमित जगह होती है, इतनी कुर्सियां होती, इतने लोग होते, वो डिस्टर्ब कर रहे होते। यहाँ तो मेरे लोग एक एक पैर पे खड़े होकर सभा को सुन रहे हैं, तो ये अनुशासन टूट नहीं रहा है। देखो इतिहास गवाह है, वायु और युवा को कभी कोई कैद नहीं कर पाया। वायु भी आजाद होता है, होती है, और युवा भी आजाद होता है। और आप तो उस समाज के युवा हो जो आप आजादी चाहता है भारत में, तो आपकी फटफटाहट तो लाजमी है। लेकिन क्योंकि मैं आप में से एक हूं, मेरा आपसे एक अनुरोध, अगर आप बैठकर मुझे सुनेंगे तभी मैं अपनी बात को कहूंगा, तो मैं नहीं कहूंगा। जब आप बैठकर सुनोगे तभी कहूंगा। शासन प्रशासन के लोग तो बेचारे खड़े रहे, उनकी ड्यूटी जिम्मेदारी है, लेकिन हमारे लोग खड़े रहे ये उनकी जिम्मेदारी नहीं है। उनकी जिम्मेदारी तो है कि वो बैठ जाएं, जिससे कि ये भी पता लग जाए आपकी भीड़ में कोई अन्य व्यक्ति तो नहीं खड़ा, वो किसी तरह का माहौल ना खराब कर दे, कोई परेशानी ना क्रिएट कर दे। तो आप लोग बैठ जाओ मेरे प्यारे भाइयों, जिससे कि मैं अपनी बात आपके बीच रख सकूं। जल्दी बताओ आप मुझे सुनना चाहते नहीं सुनना चाहते बताओ, 1 मिनट का समय।
आप जानते हो मैं वचनबद्ध संकल्पित हूँ, जो बात कहता हूँ उसको निभाता हूँ। एक मिनट का समय, संविधान सबको बराबरी के अधिकार देता है तो फिर वो बराबरी के अधिकार जमीन पे भी मिलने चाहिए। अगर संविधान सबको आगे बढ़ने की इजाजत देता है तो वो इजाजत जमीन पे भी मिलनी चाहिए। मैं आपसे एक चीज और कहना चाहता हूं, बैरिकेडिंग बहुत तोड़ते हो आप लोग। मैंने पूछा इससे बैरिकेडिंग क्यों नहीं लगवाई, तो कहा इस आंधी ने बैरिकेडिंग तोड़ दी। तो चलो ये तो मैंने मान लिया, बस ये भेड़िया कब तोड़ोगे ये भी बता दो, जो गुलामी की भेड़िया आपके आसपास लगी। देखो एक कहानी सुनाता हूं, शायद आप समझ जाओ कि गुलामी किसे कहते हैं। गुलामी सिर्फ शारीरिक नहीं होती, मानसिक भी होती है। हाथी देखा आपने, हाथी एलिफेंट, हाथी जब छोटा होता है ना, बच्चा होता है, उसके पैर में एक मोटी सी संथल बांधते हैं, देख लेना महावत को, किसी को देखना है, और उसको मजबूत खूंटे से बांधते हैं। वो पूरी जोर लगाता है लेकिन उस संकल्प को तोड़ा नहीं पाता। उसके दिमाग में ये बात घर कर जाती है कि ये संकल्प तू तोड़ नहीं सकता। फिर हाथी बड़ा हो जाता है, जब वो सारी संकल्प तोड़ सकता है, लेकिन फिर उसके पैर में एक छोटी सी रस्सी बांधते हैं। बस ये गुलामी उसके साथ दिमाग में रहती है कि वो इस रस्सी को तोड़ नहीं सकता। आपके दिमाग में भी ये गुलामी बैठ गई है कि भाई हम अपना विधायक नहीं जिता सकते, हम अपनी सरकार नहीं बना सकते। आप ये बताओ, वोट आपका है, आपके वोट से विधायक बनेगा, तो भाई आप जब दूसरे का बनाते हो तो अपना क्यों नहीं बना सकते। देखो एक और आपसे कह रहा हूं, मैंने ये प्रदेश स्तर पे राष्ट्रीय स्तर पे भी किया कि जब तक हम जाति के आधार पे तोड़े गए लोगों के साथ, जो हमारा अपना ही सब परिवार है, जिनको हम यहां संविधान के अनुसार दलित पिछड़ों के रूप में जानते हैं, आदिवासियों के रूप में जानते हैं, अल्पसंख्यकों के रूप में जानते हैं, जिनको हम संविधान से पहले शूद्रों की शूद्रों के रूप में जानते थे, जब तक हम उनमें भाईचारा नहीं बनाएंगे, जब तक हम एक दूसरे के साथ नहीं खड़े होंगे, जब तक हम किसान का, मेरे लोग देखो याद करो, बाबा साहब अम्बेडकर और सर छोटू राम मिलकर लड़े नहीं लड़े। 14 अगस्त 1947 भारत गुलाम था अंग्रेजों का। मेरी बात पे गौर करना, क्योंकि नौजवान साथी सिर्फ नारे ना लगाए, उनके कंधों पे समाज को तराने की जिम्मेदारी है। उनको अपने आप को झुका के अपने समाज को अपने कंधे पे बिठा के ताकतवर बनाना है, और जिसने ठान लिया है, जिसने नीला पटका डाल लिया है, उसके ऊपर और बड़ी जिम्मेदारी आ गई है कि वो अपने मान सम्मान को और अपने स्वाभिमान सम्मान को और अपने समाज के अधिकारों को लूटने ना दे, उसे झुकने ना दे, उसे बिकने ना दे, उसको हार ना मानने दे। तो मैं बात कर रहा हूं तब की, जब हम इस देश में गुलाम हुआ करते थे। 14 अगस्त 1947 हम इस देश में गुलाम थे। गुलाम तो पूरा भारत था, लेकिन पूरे भारत के हर सब लोग अधिकारों से वंचित नहीं थे। बहुत सारे लोगों को अधिकारों की आजादी थी, पढ़ने की, लिखने की, घूमने की, मकान बनाने की, जमीन रखने की, खेती करने की और तमाम तरह की आजादी थी। लेकिन जो गुलामों के गुलाम थे, ये बहुजन समाज के लोग, जो आज जातियों में बैठ के अपनी एकता को कायम नहीं कर पा रहे, मैं तो बधाई देता हूं कि आपने जोड़ा, आपने SC ST की महापंचायत की, मुझे बड़ी खुशी हुई। मेरे रूप में ये सब लोग चंद्रशेखर वहीं पे आपने देखा होगा। मगर देश आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, 14 अगस्त को जो गरीब था, 15 अगस्त को वो गरीब था, 14 अगस्त को जिसके खाते में 100 रुपए थे, 15 अगस्त को भी उसके खाते में 100 रुपए थे, 14 अगस्त को जिसके पास एक गज जमीन नहीं थी, 15 अगस्त को भी उसके पास एक गज जमीन नहीं थी, 14 अगस्त को जो सामाजिक असमानता का शिकार हो रहा था, 15 अगस्त को भी वो सामाजिक असमानता का शिकार हो रहा था, 14 अगस्त को जिसको मंदिर में जाने की आजादी नहीं थी, 15 अगस्त को उसको मंदिर में जाने की आजादी नहीं थी, 14 अगस्त को जिसको बिजनेस करने की आजादी नहीं थी, 15 अगस्त को भी उसको बिजनेस करने की आजादी नहीं थी। कि इस बार तुम किसी का पैसा, किसी का राशन,
और किसी की झूठी बातें आपके मेरे बीच में दूरी नहीं बना पाएंगी, किसी की झूठी बातें आपको और मुझे अलग नहीं कर पाएंगी। क्या ये मैं मानूं कि गंगापुर सिटी और इसके आसपास के जो इस संभाग के लोग हैं वो इस बार मुझे ताकत देने का काम करेंगे? आश्वस्त हो जाऊं? पहले जवाब दो, ऐसा तो नहीं कोई पैसा देगा तो भूल जाओगे? पहले रुका माओ से पूछ लेते हैं, माओ बहने खड़ी है, तुम लोग पीछे हो जाओ जरा से, बताओ मेरी माँ बहने खड़ी है, बेटा चाहिए पैसा चाहिए बताओ? मैं दोनों हाथ उठा के बताओ, बेटा चाहिए भाई चाहिए पैसा चाहिए? भाई चाहिए भाई। चलो ठीक है रुक जाओ, सिर्फ नौजवान साथी बताओ भाई चाहिए या पैसा चाहिए बताओ? आवाज कम है, मजा नहीं आ रहा, जब मैं पूछूंगा तब बताना, भाई चाहिए या पैसा चाहिए? अच्छा अब मैं अपने सम्मानित बुजुर्गों से पूछना चाहता हूँ, आपने गरीबी झेली अन्याय झेला कोई आपके आंसू पूछने नहीं आया, आपको अपना बेटा चाहिए या पैसा चाहिए बताओ? जो लागे बताओ बेटा चाहिए या पैसा चाहिए? तो फिर मैं आपसे वादा करता हूं कि दुनिया की कोई ताकत आपको कामयाब होने से नहीं रोक सकती अगर आप तैयार हो तो। चलो मेरे साथ आवाज दो, आवाज दो, नहीं मुख्यमंत्री तक आवाज नहीं जा रही होगी, तेज बोलो। आज के आयोजकों को बहुत बहुत बधाई, जिन्होंने बहुत मेहनत की, दिन रात एक करके समाज तक एक खबर पहुंचाई, उन सभी साथियों का बहुत बहुत दिल की गहराई से धन्यवाद। जयपुर आओगे नहीं आओगे जयपुर आओगे? ये बारे बताओ जयपुर आओगे नहीं आओगे? ऐसा नहीं है मेरे पास, अपने साधन से आना पड़ेगा, बस नहीं लगा पाऊंगा, खाना खा के आना, खाना नहीं खा पाऊंगा, और इसलिए आना कि तुम स्वाभिमान सम्मान से जीना चाहते हो और अन्याय की बेड़ियां काटना चाहते हो, उसकी आराम, ठीक है? जय भीम। वो मत उठाना जो कूद कूद रहे सहारे खड़ा है, जब इधर के लोग सहारा लेके खड़े वो हाथ मत उठाना गिर जाओगे, चलो नीचे करो। हेमराज बैरवा कहाँ है? क्या हेमराज बैरवा मुझे सुन रहा है? सनो बद्रीलाल बैरवा ग्राम भंडारी जिला दोसा, तुम्हें तुम्हारे जीजाजी खड़े हैं, कुछ जरूरी काम है सड़क पे, जरा एक बार मिल हो जाके उनको जाने दो। क्या खोल दी गई? क्या क्या किसकी तिजोरी? जनता का पैसा, जनता का, हाँ जनता का पैसा, कौन सी जोर खोली? क्या मुख्यमंत्री कोई अपने बिजनेस में से कुछ दे रहे हैं? आप बता दो एक पैसा दिया हो तो। जनता का पैसा, मैं तो समझता हूँ ना बजट क्या होता, लेना और देना, जनता से लिया जो टैक्स है उसी को जनता को दे रहे हैं, साढ़े चार साल तो दिया नहीं, साढ़े चार साल तो अपने लोगों को दिया। सरकार मुआवजा देने में भी भेदभाव करती है। 51% नौजवान है राजस्थान में, और उसके क्या हालात है? उसके हालात ये हैं कि सारी भर्ती पेपर लीक होते हैं, सीएचए वालों की समस्या देख लो, या जो वो थर्ड डिग्री वो थर्ड ग्रेड वाले टीचर्स हैं उनकी 85,000 ट्रांसफर बाकी, उनपे अब तक कोई कार्रवाई नहीं। तो मैं समझता हूँ सरकार ने चार साल तो नहीं चुना, और फिर हमारे लोग की सभा रोकी जाती है, उन पर मुकदमे लगाए जाते हैं, आरएसएस के यहाँ सभा कराते हैं मुख्यमंत्री जी। पाली में जिस दिन हम जितेंद्र मेघवाल के साथ हुए अन्याय के खिलाफ लड़ने गए थे, उस दिन आरएसएस का पथ संचलन होता है, सरकार हमारे लोग देख रहे हैं कि सरकार किसकी है, ये सरकार बीजेपी की है, कांग्रेस की, आरएसएस की सरकार है, हमारे लोग देख रहे हैं कि जो लोग संविधान को बदलना चाहते हैं ये सरकार उनको मदद कर रही है, ऐसे लोगों को हमारे लोग सबक सिखाएंगे। देखिए रणनीति नहीं है, हमारा प्रयास है कि हम सब लोग मिलके जो सामंतवादी और जो मनुवादी ताकतें हैं जो भारतीय संविधान को खत्म कर देना चाहती है उन ताकतों को रोकने का काम करें, और इसमें हमने पहल की, हमने उन दोनों भाइयों से कहा कि आइए इस बार सबसे बड़ा काम ये है कि 14 अप्रैल पर जहां बाबा साहब अम्बेडकर पैदा हुए मऊ जन्मभूमि हम लोग सब लोग नमन करने चले, क्योंकि वो भी इस लड़ाई को अब लड़ना चाहते हैं और हमने इसके लिए सार्थक प्रयास किए कि लड़ाई लड़ी जाएगी, और ये लड़ाई तब तक चलती रहेगी जब तक असमानता की व्यवस्था खत्म ना होके और भारतीय संविधान यहाँ पूर्ण रूप से लागू ना हो, उसको लागू कराने के लिए हमें सरकार की जरूरत है, क्योंकि कानून सड़कों पर नहीं बनते, कानून विधानसभा में लोकसभा बनते हैं, कानून बनाने के लिए हमें राजनीतिक शक्ति चाहिए, इसलिए हमारा दल और बल
दोनों मजबूती राजस्थान में काम कर रहा है। आप देखना जिस दिन सातवां सम्मेलन होगा विपक्ष उठने टेक देगा, क्योंकि बड़े पैमाने पर लोग उस सम्मेलन के साथ खड़े होने वाले। प्रभारी जी शायद कुछ कहना चाह रहे थे। मुकेश बैरवा जी आपके क्षेत्र के हैं, जाने पहचान है, ये आजाद समाज पार्टी की तरफ से है, गंगापुर सिटी विधानसभा क्षेत्र से हमारे प्रत्याशी होंगे 2023 के चुनाव। सर जैसे कि आपने कहा पिछले 4.5 साल राजस्थान सरकार के द्वारा मुफ्त नहीं, मरे मुलायम काशीराम प्रेम से बोलो जयसीराम, इस पर आपकी क्या बीमारी, आपकी क्या रणनीति? देखो मैं फिर कह रहा हूँ, कोई भी ऐरा गहरा कुछ बोल देगा और हम लोग लड़ते फिरेंगे, ये हमारा काम नहीं है। हम पढ़े लिखे लोग हैं जी, वो बोलते इसलिए कि हम उसमें उलझे हैं जी। और साहब तो मर गए हैं जी, वो मरे नहीं, वो तो अमर हो गए, नेताजी भी अमर हो गए हैं। उन्होंने जो किया उनके कारवा को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग काम करें। कितने काशीराम मारोगे, कितने नेता मुलायम सिंह यादव मारोगे, और कब तक मारोगे, और कब तक दलित पिछड़ों की बलि चढ़ाते रहोगे? जनता समझ रही, अब सबक सिखाने काम करेंगी। जिन जो मुलायम सिंह जी में आस्था रखते हैं, जो काशीराम में आस्था रखते हैं, वो भद्राचार्य जी को बताएंगे किस दिन पंडाल भी खाली मिलेगा और खाने के लाले पड़ जाएंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य जी पर FIR हो गई नारा देने पर। देखो मैं फिर कह रहा हूँ, ये सरकार तानाशाही सरकार है, जो हक की बात बोलेगा उस पर मुकदमा हो जाएगा। और मुकदमा से कौन डर रहा है आजकल? मुकदमा तो उन पे हो रहा है जो लड़ रहे हैं, जो बोल ही नहीं रहे उन पे तो कुछ नहीं हो रहा। आप गंगापुर सिटी में आए हैं, यहाँ की लोकल, क्या आजाद समाज पार्टी एक तीसरे मोर्चे के रूप में विकल्प होगी? हम लगातार इसकी तैयारी कर रहे हैं, इसलिए हमने इन दलों से, इनके इन वर्गों की जो पार्टियां भी हैं उनसे भी हमारी जो है लगातार हमारे प्रभारी जी की, अध्यक्ष जी की, दूसरे भी हमारे प्रभारी सबकी बातचीत चल रही है। बड़ा सवाल ये है, अभी इंद्र मेघवाल के न्याय की घटनाएं, उसमें कुछ बहुत बड़े काम नहीं हुए। जितेंद्र मेघवाल के परिवार को अब तक न्याय नहीं मिला है। कार्तिक भील का परिवार 3 महीने ज्यादा हो गया सड़कों पे धूल फांक रहा है, उसके बच्चे याचना कर रहे हैं लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उसके बाद ओम प्रकाश रैगर का मामला हो और तमाम तरह से जो और अन्याय के मामले हैं जो रोज हो रहे हैं, चाहे सामाजिक असमानता का हो, चाहे उसके अलावा सामाजिक बहिष्कार का हो, चाहे घोड़ी से उतारने का है, कुछ भी हो, उनमें भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो। जो सरकार हमें न्याय नहीं दिला सकती, वो हमें अधिकार क्या देगी? तो इस निकम्मी सरकार पर हमारे लोगों का भरोसा नहीं, इसलिए जो बेचैनी है वही बेचैनी जनता के विस्फोट के रूप में आपको देखने को मिली कि वहाँ पूरा प्रशासन शासन भी फेल हुआ, सारे बैरिकेडिंग तोड़ दिए गए और वो पूरा ग्राउंड खचाखच भरा हुआ था, वहाँ बैठने की जगह नहीं थी ना खड़े होने। तो जनता तैयार है बदलाव के लिए, क्योंकि जनता अब थक चुकी है इनके झूठे वादों से, झूठी बातों से, जनता अब इनकी बातों में नहीं आने वाली। क्या कह रहे 14 अप्रैल को जयंती और